देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए, और कोई विचार व्यक्त कर रहा है तो उसके खिलाफ राजद्रोह जैसे मुकदमे नहीं लगने चाहिए। और हमने तो घोषणा पत्र में इसको शामिल किया था, 124A जो है उसे हटाया जाना चाहिए। और जैसे मुझे जानकारी मिली, मैंने अप्रसन्नता व्यक्त की कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को बिना तथ्य के अफवाह फैलाने के लिए कैसे करूं? सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करना चाहिए, और उसके लिए अलग धाराएं हैं, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ये पत्रकार के खिलाफ महासमुंद में भी एक मुझे अभी आते आते जानकारी मिली, मैं उनके बारे में भी कहूँगा। जय श्री राम का नारा लगाने वालों के खिलाफ क्या हो गया? जय श्री राम का नारा लगाने वालों के खिलाफ पश्चिम बंगाल में कोर्ट में एक याचिका दायर की है कि उन पर कार्रवाई की जाए। पश्चिम बंगाल के बारे में पश्चिम बंगाल के लोगों से पूछ, महासमुंद वाले मामले को लेकर आप पूछ रहे हैं, महासमुंद में जो पत्रकार के खिलाफ पत्रकारों के अभी आते आते मुझे जानकारी मिली है, मैं भी उसे जानकारी ले लेता हूं। यदि 124A की कार्रवाई हुई है तो उसे भी वापस ले जाना चाहिए। देखिए, अभिव्यक्ति के विचारों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए, लेकिन गलत खबर प्रसारित न करें, उससे समाज में गलत प्रभाव पड़ता है।